हेलो मई टू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं और आद्या जा रहे हैं, कहाँ, आद्या के स्कूल, और उसके पापा भी हैं साथ में। तो सैटरडे को जो है आद्या का एडमिशन पूरा नहीं हुआ था, कुछ फॉर्मेलिटी रह गई थी, तो अभी जा रहे हैं हम लोग। आज है मंडे, तो अभी जा रहे हैं मंडे को, तो इसकी एडमिशन की बात करने, मतलब पूरा फुल फाइनल करके आएंगे। तो अभी देखिए रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, तो आज देखो मैंने बोला था, हेलो कर रही थी वो आप लोगों को। और ये देखिए आप लोगों ने, ये कोई मशीन है, ये मतलब झाड़ू लगा रही है रोड पे। ये मशीन मैंने पहली बार देखी है, पहले तो मैं सोची थी कोई ट्रैक्टर है, बट ये मशीन आप लोगों ने देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। और अभी देखिए हम लोग पहुंच गए आद्या के स्कूल में, तो अभी जो इनके सर है वो जो है डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं बैठ करके। और आद्या जो है यहाँ पर बोर हो गई थी बहुत ज़्यादा, घर चलो बोल रही थी, तो अभी 10-15 मिनट में ये इतनी बोर हो गई थी कि यहाँ नहीं बैठना है। तो अभी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, और अभी देखिए हम लोग जो है निकल गए हैं स्कूल से, एडमिशन वगैरह हो गया आद्या का। और अभी आद्या पी रहे गन्ने का जूस, रास्ते में इसके स्कूल के बाहर ही जो है जूस वाले खड़े होते हैं, तो वहाँ पर जूस पी रहे हैं, उसके बाद जाएंगे घर। तो अभी देखिए फाइनली हम लोग जो है घर आ चुके हैं और खाना पीना भी हो गया हमारा। और भी देखिए यहाँ पे ना दो कपड़े के पीसेस हैं, जो कि सूट से बचे हुए कपड़ा है ये, तो ये बहुत छोटे छोटे से पीसेस हैं। तो मैं इसे आज आद्या के लिए एक ड्रेस बनाने वाली हूँ, तो आद्या को न्यू ड्रेस चाहिए कल के लिए स्कूल के लिए, मतलब अभी तो यूनिफॉर्म में जाएगी, लेकिन अभी इसको एक दिन ड्रेस में भेजेंगे। तो आद्या कह रही मुझे न्यू पहन के जाना है, तो मैंने कहा चलो घर पे ही बना देती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 20 इंच जो है, मैं यहाँ पे सबसे पहले बता देती हूँ आप लोगों को, मैं एक पजामा कट करने वाली हूँ सबसे पहले, मतलब प्लाजो कट करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो इसकी टोटल लेंथ थी वो 20 थी, और यहाँ पे देखिए 2 इंच पे यहाँ पे मार्क लगा लिया है। ये 4 फोल्ड में मैंने कपड़ा लिया हुआ है फ्रेंड्स, ये भी बता दूँ आप लोगों को, 4 फोल्ड में मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पे 9 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो ये जो ओपन साइड है वहाँ से मैं इसकी मार्क लगा रही हूँ, और फोल्डेड साइड जो है वो मेरे साइड को है, मेरी तरफ से फोल्डेड साइड है, और मेरे अपोजिट साइड जो है ओपन साइड, तो उसी से मैं मार्क कर रही थी। और यहाँ पे देखिए 2 इंच मैंने इलास्टिक के लिए छोड़ दिया है, और नीचे यहाँ पे देखिए जो पोंचे होते हैं वहाँ पे मैंने 7 इंच रखा है। यहाँ की लंबाई जो है, चौड़ाई जो है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा पतला जैसा आपको चाहिए हो। तो अभी देखिए निशान हमारे सारे लग चुके हैं, यहाँ पे हल्का सा राउंड दे देंगे हम आसन पे, और इसके बाद जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने पहले पजामा कट कर लिया है, टॉप में अभी बाद में कट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये मैं इसको पूरा फाइनल कर लूँगी, यहाँ से हम मोड़ेंगे ना इसको, तो मैं यहाँ पे पट्टी वट्टी लगाऊँगी, बाद में आपको दिखाऊँगी कैसे बनाऊँगी। तो अभी यहाँ पे हम सिर्फ इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से इतना कपड़ा जो एक्स्ट्रा था तो मैंने इसको हटा दिया है, और ये वाला 4 फोल्ड में मैंने यहाँ पे कट कर लिया इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप लोग कि पजामा की कटिंग जो है हमारी हो चुकी है, ये देखिए। तो अभी जो निशान हमने लगाए थे ना एक साइड से, तो उनको जो है हम पूरा कट कर, मतलब वो कर लेंगे, निशान लगा लिए। ये जो यहाँ पे फोल्डेड साइड थी ना, तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया, पहले नहीं किया था मैंने, तो अभी कर लिया है। और निशान जो है हम इनको पूरा खोल के मिला लेंगे, तो ये दोनों तरफ से हमें नज़र आने लग जाएंगे, ये देखिए। और अभी हमारा जो है पजामा की कटिंग हो गई है, तो अब हम टॉप बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 21 21 करके इस तरीके एक स्क्वायर पीस लिया है, 4 फोल्ड में है ये, तो इस तरीके से 2 पीस लिए थे मैंने दोनों को 20 21 इंच के। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है ट्रायंगल शेप में इस तरीके से, देखिए। और यहाँ पे 4 पॉइंट जो शोल्डर हमें 4.5 का लेना है, और यहाँ से देखिए आर्म होल है वो भी 4.5 इंच का लेना है, और चेस्ट है वो 7 इंच की रखेंगे, और इसकी फुल लेंथ जो है वो 17 इंच रहेगी। तो इस तरीके से इसका मेजरमेंट है, और ये मेजरमेंट तो पता ही आप लोगों के, आद्य जो है 3+ है, तो 3 ईयर से लेके 4 ईयर के बच्चे के लिए है ये। तो आप अगर बनाना चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, और या फिर बच्चे का कपड़ा कोई लेकर के मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको तिरछापन दे दूँगी, और जो हमने 17 हमारी फाइनल लेंथ थी उसको हमने इस तरीके से निशान लगा के, देखिए गोलाई में भी निशान लग गया है हमारा। और फाइनली हम इसको जो है कटिंग कर लेंगे अब इस तरीके से, यहाँ पे हल्का सा राउंड दे करके। तो A1 कट अम्ब्रेला टॉप बना रही हूँ मैं इसका, एक ही कट का। तो इस तरीके से देखिए इसका गला भी जो है कट कर लेंगे। तो गला मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, मैंने गला रखा हुआ है, इसकी लेंथ रखी हुई है 3 इंच, और इसका ब्रेथ रखा हुआ है, मतलब चौड़ाई रखी हुई है 2 इंच। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है, ये देखिए।
तो बच्चा अगर आपका अच्छा खासा हेल्दी है तो गला आप 3 रखिएगा, नहीं तो 2.5 काफ़ी है गला, और आधे पतली सी है तो आधे का थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि बड़ा हो गया गला, तो पतली दुबली सी है ये बहुत, तो है मतलब अच्छे हेल्दी बच्चे के लिए तो 3 गला बहुत परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए पीछे की साइड में जो पीछे वाला पार्ट था उसमें 2.5 इंच का एक कट लगा लिया है ताकि हम वहाँ पे कुछ लगा सकें हुक वगैरह, ताकि आसानी हो पहनने में। और यहाँ पे मैं रेप पट्टी कट कर रही हूँ देखिए इस तरीके से, तो जो हमारा बचा हुआ पीस था उसी से मैं कट कर रही, क्योंकि ये जो टुकड़ा था ज़्यादा तो इसमें कुछ था नहीं बचा हुआ, थोड़ा सा ही कपड़ा बचा था, तो उससे मैंने रेप पट्टी कट कर ली है, उनको हम ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने देखिए जो कट लगाया था ना हमने, तो यहाँ पे उसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, तो ये जो कपड़ा है हमारा वो 3 इंच का है, और 3 इंच का वो लंबाई चौड़ाई था। और अभी देखिए पजामा की बॉटम के लिए भी हम यहाँ पे पट्टी कट कर लेंगे, क्योंकि इसके बॉटम में मैं पट्टी लगाने वाली हूँ ताकि जो है इसका मिसमैच अच्छे से हो जाए कपड़े का दोनों का। और ये वाली पट्टी है देखिए, इसको हम यहाँ लगा लेंगे और फिर जो है दूसरा पार्ट रखेंगे टॉप का इस तरीके से। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, सिंपल सी सिलाइयाँ हैं, कुछ भी नहीं है, कोई भी बना सकता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा लिया है, और पीछे से इसका जो हुक लगाने वाला था पार्ट पट्टी वो भी मैंने जोड़ लिया, और देखिए यहाँ पे रेप पट्टियों को मैंने आपस में जोड़ लिया है और इस तरीके से बड़ा कर लिया है इनको। और अब मैं इसमें आर्म होल में लगा दूँगी इस तरीके से दोनों तरफ, और इसमें लगा दूँगी गले में, ये देखिए। तो हम इन पट्टियों को जो यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं सिलाई मशीन से पहले, तो ये देखिए इस तरीके से। तो हल्का सा रेप पट्टी को हल्का सा खींचेंगे और नीचे वाले कपड़े को हल्का सा लूज करते हुए इस तरीके से हम इसको जो है फाइनली सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद जो है हम इसको अंदर की साइड में मोड़ देंगे पूरा, ये देखिए इस तरीके से। तो बहुत अच्छी सी फिनिशिंग के साथ ये जो है हमारा तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पट्टियाँ जो अच्छे से फिनिश कर ली हैं, जोड़ ली हैं, और इसके नीचे वाली जो सिलाई है घेरे की वो भी मैंने कर ली है। तो ये घेरे वाली सिलाई जो है बहुत पतली पतली लगानी है हमें, ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है, नहीं तो जो है इसमें झोल आ जाएगा। तो पतला पतला से मैंने यहाँ पे देखिए इसको कर लिया है, सिलाई कर लिया है, और अब हम साइडों की करेंगे। तो यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो साइडों की सिलाई लगाने के बाद घेरे की सिलाई लगा सकते हैं आप, मैंने पहले ही लगा ली थी। और देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आएगा जब पहनेंगे। तो टॉप हो गया हमारा तैयार, अब चलते हैं हम अपने पजामे की तरफ। तो ये देखिए पजामे के लिए मैं यहाँ पर बॉटम में इस तरीके की जो है टॉप के ही कपड़े की जो है यहाँ पे पट्टी लगाने वाली हूँ, उससे क्या होगा कि टॉप के साथ जो है मिसमैच हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी कट कर लूँगी दोनों पोंचों के लिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे पट्टियाँ जोड़ ली हैं, ये देख सकते हैं आप। और पट्टियाँ जोड़ने के बाद हमने देखिए इसके ऊपर की सिलाई भी लगा ली थी आसन की, और अब हम इसको इस तरीके से सीधा करके और सिंपल सिलाई नीचे से लगा लेंगे पूरा। और सिंपल सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखिए ये है लास्टिक। तो फ्रेंड्स जैसे जल्दी जल्दी बनाया था मैंने, लास्टिक भी मैं देखी ना जब बाद में, तो लास्टिक मेरे पास थी भी नहीं, मैंने कहा अब क्या डालूँ इसमें, तो छोटा बच्चा है तो लास्टिक ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ना एक पुराना मेरा प्लाजो पड़ा था, पुराना नहीं था मतलब था तो नया ही, इसमें ना कलर निकल रहा था तो ये मैंने इसको पहना भी नहीं, तो इसकी लास्टिक जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी, तो मैंने इसी में से इलास्टिक निकाल करके डाली थी। तो देखिए फाइनल हमारा इस तरीके से आया है ड्रेस, कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब आद्या को जो है पहनाते हैं, और यहाँ पे देखिए आद्या को मैंने इसको जो है पहना दिया फाइनली, कैसा लग रहा है इसके ऊपर देखिए। तो आद्या की जो है ये वाली ड्रेस पहन के आद्या बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप लोग भी बताना आद्या कैसी लग रही है। और अभी हो गए स्कूल के लिए रेडी, तो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा अगले दिन। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और शेयर भी कर देना अपने यार दोस्तों के साथ में। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय।